हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट के बिल का पेमेंट ऑनलाइन कैसे करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रॉडबैंड कंपनीज काफ़ी सारी हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं, ब्रॉडबैंड का जो मार्केट है बहुत बड़ा है। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो नेशन वाइड, मतलब पूरे पैन इंडिया काम करती हैं, उनके कनेक्शन आपको अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग टाउन्स में मिल जाएंगे। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि रीजनल कंपनीज मानी जाती हैं, वो सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट के अंदर ही रहती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लोकल एरिया कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, वो सिर्फ एक शहर के अंदर ही रहती हैं। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, मतलब एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ अपने शहर में ही इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ब्रॉडबैंड कंपनी चूज़ करते हैं और कनेक्शन लेते हैं। तो लोग अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारी यहाँ पे कंपनीज़ हैं और लोगों के पास अलग अलग कंपनीज़ के ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हैं। तो ऐसे में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट का बिल है वो अलग अलग तरह से पे किया जा सकता है। हर कंपनी का अलग एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, अपनी वेबसाइट होती है या फिर ऐप होता है, जिसके ज़रिए से उस कंपनी के ब्रॉडबैंड इंटरनेट का हम बिल पे कर सकते। लेकिन एक ऐसा भी तरीका होना चाहिए है कि जहाँ पर हमें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज़ मिल जाएँ और हम अपनी मर्ज़ी से जिस भी कंपनी का हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हो, उसका बिल हम पे कर सकें। तो ऐसे में आपको जो है गूगल पे ये सुविधा देता है कि आप गूगल पे के ज़रिए से, और भी आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़ोन पे आपको ये सुविधा देते हैं कि आप उनके ज़रिए से अपने इंटरनेट कनेक्शन का, अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का बिल पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गूगल पे के ज़रिए से कैसे अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट के बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब गूगल पे को मैंने इसलिए यहाँ पे चुना है क्योंकि गूगल पे में काफ़ी सारी कंपनीज़ मौजूद हैं, लिस्टेड काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। अब इतने सारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइडर्स लिस्टेड हों। तो बस इसी वजह से मैंने गूगल पे को चुना है क्योंकि यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब आइए समझते हैं कि हम कैसे गूगल पे के ज़रिए से अपने ब्रॉडबैंड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है पे बिल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है पे बिल्स का, इस पर आपको इस तरह से टैप कर देना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए इस तरह से नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ब्रॉडबैंड / लैंडलाइन। तो यहाँ से हम अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन और लैंडलाइन कनेक्शन दोनों का ही बिल पे कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पर आप अपना बिलर चूज़ कर लीजिए या फिर अपने ब्रॉडबैंड कंपनी को आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर ढेरों कंपनीज़ हैं जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपकी कंपनी ज़रूर से मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं कि आप बाहर हो ही नहीं सकते हैं। तो इसमें से हम अपने ब्रॉडबैंड की कंपनी चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए ये मेरी कंपनी है, अगर मान लीजिए। इस तरह से आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है, तो आप अपनी कंपनी चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी मिला होगा, वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। या फिर आपको अगर अकाउंट नंबर मिला है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अकाउंट नंबर, तो वो आपको एंटर करना होता है। अब मेरी कंपनी ये नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था, ये भी कोई एक कंपनी है। तो इस तरह से आपको एक यूज़र आईडी मिलता है तो वो आपको एंटर करना होता है। अब मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बीएसएनएल का है, बीएसएनएल यहाँ पे बीएसएनएल लैंडलाइन इंडिविजुअल दिखा रहा है। अब वो लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड दोनों एक ही होता है, मतलब दोनों एक ही से चलता है। तो साथ में हमें लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है उसके, और हमें लैंडलाइन नंबर भी मिलता है। तो क्योंकि मेरा बीएसएनएल का है तो मैं अपना बीएसएनएल का यहाँ पर दिखा सकता हूँ, अगर कोई दूसरा होता तो मैं दूसरा दिखा देता। तो मैंने यहाँ पे BSNL चूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हमें इंटर करना होता है अपना लैंडलाइन नंबर। तो हमें एक लैंडलाइन नंबर दे दिया जाता है जब हम अपना BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो साथ में वो लैंडलाइन का भी रहता है। तो लैंडलाइन हम चाहें तो लगवा सकते हैं। तो BSNL वाले क्योंकि ब्रॉडबैंड के साथ में लैंडलाइन भी देते हैं, तो जब हम BSNL का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, फाइबर वाला इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो साथ में हमें लैंडलाइन नंबर भी मिलता है। तो चाहे तो हम लैंडलाइन लगवा सकते हैं, नहीं तो नंबर सिर्फ रहता है हमारा, तो उस नंबर के ज़रिए से हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो वही हमसे यहाँ पे एंटर करने को कहा जा रहा है कि लैंडलाइन नंबर एंटर करिए एसटीडी कोड के साथ में बिना ज़ीरो के। तो यहाँ पे हमें अपना लैंडलाइन नंबर एंटर करना होगा एसटीडी कोड के साथ में, लेकिन ज़ीरो उसमें नहीं रहना चाहिए है। तो अगर आपका भी BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है, जिसको FTTH बोलते हैं, BSNL FTTH, या फिर इसको हम भारत फाइबर भी कहते हैं, तो ये वाला अगर कनेक्शन है तो उसमें आपको लैंडलाइन नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे निकनेम आप चाहें तो निकनेम एक दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं निकनेम वाला। और उसके बाद लिंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना होगा और ये आपकी बिल को फेच कर लेगा और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होता है। तो आइए ये हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नंबर एंटर करते हैं, लिंक अकाउंट पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अपना लैंडलाइन नंबर एंटर किया एसटीडी कोड के साथ में, इसने डिटेल्स फेच कर लिया है। अब लिंक अकाउंट पर हमें इस तरह से क्लिक कर देना होगा। अब ये हमारा बिल फेच करेगा, तो इस महीने का ये बिल है हमारा, दिखा रहा है 707 रुपये।
तो बस आपको इस तरह से पे बिल पर क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे आपको पे और यहाँ पे आपको अपना UPI पिन एंटर करना होता है। तो ये हमने एंटर कर लिया और उसके बाद आपको सबमिट पर टैप कर देना होता है और ये देखिए पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट के बिल का पेमेंट कर सकते हैं और अगर BSNL का कनेक्शन है तो आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो दोस्तों ये था तरीका जिससे कि हम अपने ब्रॉडबैंड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।